हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद पैड। देखते हैं मार्केट में कैसा मूव हो सकता है अगले महीने। अभी मंथली कैंडल भी क्लोज हो चुका है और थोड़ा सा संभल के, क्योंकि क्या वॉलेटिलिटी चल रहा है मार्केट में, आप लोग देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ही। मतलब जो अगर थोड़ा सा कॉशियस नहीं रहेंगे, जो अगर अपने लाइक मतलब शॉर्ट कर रहा है तो कर ही रहा है, लॉन्ग कर रहा है तो कर ही रहा है, तो उन लोगों का प्रॉब्लम होता है। अगर यहाँ पर एकदम जस्ट आपको सेंटिमेंट वाइज करना है और आपको प्राइसेशन थोड़ा देखना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है आपको। यहाँ पर कोई और स्टॉप लॉस पूरा मैंडेटरी आपको लेना ही पड़ेगा यहाँ पर। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले रहे हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मंथली कैंडल क्लोज हो चुका है तो हम लोग देखते हैं। हम मैं वीकली वीडियो इसलिए नहीं बना था क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज होने वाला था और अभी रिग्रेट करो, शायद बनाना चाहिए था क्योंकि तब बनाने से आप लोगों को अच्छा ट्रेड मिल जाता। तो ओके, जो भी हो गया हो गया, अभी हम लोग मंथली देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो मंथली में जो बैंक निफ्टी दिख रहा है ना, बैंक निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है मंथली में, अभी भी स्ट्रांग दिख रहा है मंथली में। इतना कुछ मतलब ऐसा नहीं दिख रहा है कि फॉल आना है या नहीं आना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल लेकिन क्या हो सकता है कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन मंथ है, जो आना था मूव आ गया, या फिर हो सकता है और थोड़ा सा मूव आना बाकी है लेकिन वो मूव सस्टेन नहीं करेगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, वो सस्टेन करना मेरे लिए अभी नहीं लगता करेगा। ऐसा नहीं कि मैं जुलाई अगस्त में हो सकता मार्केट फिर से उसको भी तोड़ दे जो हाई बनाए, लेकिन अभी वो सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अभी क्या दिख रहा है मार्केट में, अभी दिख रहा है ऐसा हो सकता है नेक्स्ट महीना कि जो मतलब मई महीना ऐसा हो सकता है कुछ इस तरह का कैंडल भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। इस तरह का कैंडल कुछ देखने को मिल सकता है, ये वाला रेड कैंडल इस तरह का कैंडल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी ऐसा दिख रहा है, क्योंकि मंथली में स्ट्रांग दिख रहा है। तो हो सकता है मंथली में थोड़ा सा ऊपर जाए, देन हम लोग को फिर जहाँ पर ओपन हो वहाँ पर ही कहीं पर क्लोज हो, इस लेवल पर कहीं पर क्लोज हो, या हो सकता है थोड़ा और डीप आ जाए और डीप आके क्लोज हो, या फिर हो सकता है इतना ऊपर भी ना जाए, थोड़ा ऊपर जाके जस्ट थोड़ा ऊपर गया देन आके यहाँ पर क्लोज करे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर थोड़ा और नीचे भी क्लोज कर सकता है, यहाँ पर 48,000 के आसपास इसके नीचे भी क्लोज कर सकता है मंथली कैंडल, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऐसा कुछ खास मतलब बेरिश नहीं है, लेकिन अभी जो मार्केट में है, क्योंकि देखो इलेक्शन से पहले मार्केट अच्छा खासा रनअप कर चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक रनअप कर चुका है। अभी ऐसा हो सकता है कि रनअप तो जो आना था आ गया, अभी ऐसा हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए देन यहाँ से नीचे आए, तो और ज़्यादा ऊपर भी ना जाए ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरे मुझे जो अगर परफेक्ट लेवल कौन सा होगा, अभी अगर आपको परफेक्ट लेवल कौन सा होगा, मेरे से परफेक्ट लेवल होगा 51,000 के ऊपर। अगर वहाँ तक जाता है मार्केट देन वहाँ से जो सेलिंग आएगा ना, वो शार्प सेलिंग होगा, देन वो सेलिंग हो सकता है हम लोग को बहुत अच्छा से मिले, सर जून मई को भी मिले, देन जून में भी वो कंटिन्यू थोड़ा सा हो, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ ऑलरेडी प्राइसिंग है। तो अभी अगर मार्केट में सेलिंग आएगा तो बहुत अच्छा सेलिंग आएगा, लेकिन यहाँ से सेलिंग आने से उतना शार्प सेलिंग नहीं आएगा जो हम लोग को चाहिए कि 5-6,000 पॉइंट का, 4,000 पॉइंट का जो सेलिंग हो, वो शायद इतना शार्प सेलिंग इतना जल्दी ना आए, ऐसा टाइप का हो कि धीरे धीरे स्लाइड करें। लेकिन अगर मार्केट 51,500 इस लेवल तक पहुंच गया, देन हम लोग का सेलिंग बहुत ही तगड़ा वाला आने वाला है, देन हम लोग उसका वेट कर सकते हैं। या फिर अगर हम लोग प्राइस एक्शन से ट्रेड करेंगे, है ना, अगर थोड़ा ऊपर उठ के हम लोग को प्राइजेशन दिख रहा है देन थोड़ा स्लाइड जब बैंड हो रहा होगा देन हम लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वीकली देख के फायदा नहीं, तो डेली में देखते हैं कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी। डेली में जो आज का कैंडल बनाया वो थोड़ा सा लाइक ये थोड़ा सा कंसर्निंग कैंडल है, क्योंकि ऐसा कैंडल मुझे पसंद नहीं है, ये ऐसा टाइप का कैंडल पसंद नहीं। अगर इस यहाँ पर अगर कुछ हॉल टाइप का यहाँ पर हॉल टाइप का कैंडल बना देता यहाँ तक जाता देन भी ओके था, लेकिन ये थोड़ा ऊपर जाके आया वो ज़्यादा कंसर्निंग है। तो डेली टाइम फ्रेम में जो ये कैंडल बना ये वाला थोड़ा सा कंसर्निंग कैंडल है। इसका हाई अभी एक लाइक वैसा हो जाएगा कि इसको तोड़ना थोड़ा सा टफ होगा, हो सकता है कि एक दो दिन रुक के फिर तोड़े, देन जो मैं बोल रहा 51,000 के ऊपर अगर जाता है मार्केट देन वहाँ से हम लोग को जो सेलिंग मिलेगा वो ज़्यादा फास्ट होगा। तो अभी हम लोग डेली कैंडल के हिसाब से तो थोड़ा सा बेरिश दिख रहा है, लेकिन अगर आपको मतलब कि ऊपर गया ही नहीं मार्केट अभी यहाँ से अभी सेलिंग आ रहा है तो आपको सेलिंग तो करना है, आपको कहाँ ट्रेड करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे परफेक्ट लेवल थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम में जाते हैं सब हम लोग को पता चलेगा, थोड़ा 75 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स में जाते हैं देन हम लोग को वहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा टाइम कौन सा मतलब कि नीचे हम लोग सेलिंग कर सकते हैं कि इसके नीचे ही सेल बनेगा। ये जो लेवल है ना लाइक ऑलमोस्ट 48,700 के आसपास
आपको जूम कर थोड़ा सा बड़ा करने से आपको पिक्चर तब समझ में आएगा। ए वाला लेवल का बात कर रहा हूँ मैं, ए वाला जोन जो है 600 700, ए वाला 700 ही है, 700 के आसपास अगर से इसको तोड़े, इसमें आप एक लाइन बना के रख दो, इसके नीचे तोड़े 700 के नीचे तोड़े, देन आपका तब बेयरिश हो जाएगा। अगर ये डायरेक्टली तोड़ रहा है देन थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि इसको एक पुल बैक देना देना, मान लो ये 700 है तो यहाँ पर डायरेक्टली तोड़ रहा है, देन थोड़ा सा वेट करना, पुल बैक आके जब तोड़ेगा देन आप तब आपको स्टॉप लॉस छोटा भी मिल जाएगा, देन आप तब वहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। अगर डायरेक्ट गिर रहा होगा तो हम लोग का ये रेफरेंस लेवल हो जाएगा 48,700। यहाँ पर कोई शॉर्ट नहीं करना, ऊपर कोई शॉर्ट नहीं करना, और कहाँ शॉर्ट कर सकते हो और कैसे शॉर्ट कर सकते हो वो भी बता दिया। या फिर आपको अगर मान लो यहीं पर है, यहाँ पर आपको कुछ मिलता है इस जोन से, यहाँ पर कुछ मिलता है आपको, फिर से ऊपर गया देन यहाँ पर कुछ मिल रहा है, या फिर इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया, यहाँ से फिर घूम रहा है, देन जब इसको फिर से क्रॉस करेगा तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो, तब आपका शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। मान लो मंडे के दिन, मंडे सॉरी थर्सडे के दिन, थर्सडे के दिन ओपन हो, गैप अप ओपन हो, देन यहाँ तक जाए, फिर इसको यहाँ से फिर ब्रेक कर रहा हो, या फिर उस दिन वहाँ वेट कर ले यहाँ पर, देन नेक्स्ट डे इसको ब्रेक कर रहा हो, देन आपका यहाँ पर शॉर्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर ये अभी ऐसा जाता है देन आपके यहाँ पर भी शॉर्ट बन जाएगा। तो हो गया इसका बैंक निफ्टी का। इंट्राडे में अभी ज़्यादा उछल कूद मत करो कि इंट्राडे में वो करना है, इंट्राडे में अगर करना है फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखो इंट्राडे में अभी चार्ट पूरा डिस्टर्ब हो गया ऑलरेडी, क्योंकि इसमें आप क्या ट्रेड करोगे। ठीक है, ये अगर फ्लो फ्लो में जाता है देन हम लोग को ट्रेड मिल सकता है, अगर फ्लैट ओपन हो गया फ्लो फ्लो में जाता है देन ट्रेड मिल सकता है, गैप अप हो जाएगा बहुत बड़ा देन थोड़ा सा बहुत बड़ा, अगर अगर स्लाइड गैप अप होता है इसके आसपास होता है देन हम लोग को हो सकता है कि इस फिर से एक सेलिंग मिल जाए, हो सकता है। और अगर फ्लैट ओपन हो तो हम लोग को वेट करना है कि इसको तोड़ने से हम लोग नीचे के लिए ट्रेड कर सकते हैं, देन 49,000 के आसपास हम लोग का पहला टारगेट हो जाना चाहिए, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग इंट्राडे के लिए, इंट्राडे परपस के लिए पूरा है। और अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है देन वॉलेटाइल बन जाएगा, क्योंकि नीचे एक सपोर्ट बन जाएगा देन ऊपर रेजिस्टेंस तो है ऑलरेडी, देन वॉलेटाइल बन जाएगा, देन कोई ट्रेड नहीं बनेगा। और बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है फिर भी मार्केट से जा चुका होगा जो हाथ में आया था, क्योंकि यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा पुल बैक कर सकता है और हो सकता है पुल बैक में बाइंग भी आ जाए। और अगर तब आपको बहुत बड़ा गैप डाउन में अगर थोड़ा सा पुल बैक हो गया देन फिर से स्लाइड करेगा तब आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो अभी अगर देखो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है पुल बैक होने से भी मैं थोड़ा सा उसमें कंसर्न हूँ, क्योंकि देखो बहुत बड़ा गैप डाउन होता है फिर पुल बैक आएगा, तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद पुल बैक आके फिर मुझे नहीं लगता गिरेगा, क्योंकि फिर लगता है कि यहाँ पर ही साइडवेज रह जाएगा, देन फिर नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स फिर गिर सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा गिरना कि अभी देखो एक दिन उठा था देन यहाँ पर कितना टाइम स्पेंड किया ये, देन वहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया, जो भी फेकआउट है ब्रेकआउट कहा हुआ ये तो पूरा गिव अप ही कर दिया वट एवर, लेकिन जो भी है यहाँ पर टाइम स्पेंड किया तो वो टाइम स्पेंड करेगा। अगर गैप डाउन भी होता है देन हो सकता है पुल बैक होगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, आपका ट्रेड तभी बनेगा फ्लैट होके अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा होगा। तो बहुत बड़ा गैप अप में भी आप कहाँ से जाएगा, हाँ माइनर गैप अप गैप डाउन में चलेगा, बहुत बड़ा गैप अप 200-250 पॉइंट्स के ऊपर एटलीस्ट गैप अप होने से आप कहाँ से मतलब आपका ट्रेड नहीं मिलेगा, और बहुत बड़ा गैप डाउन होने से ट्रेड नहीं करना है, अगर फ्लैट ओपन होने से आपको ट्रेड करना है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अभी हम लोग निफ्टी देखते हैं, निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, निफ्टी मंथली में देख लेते हैं, निफ्टी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। निफ्टी क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, निफ्टी में जो कैंडल बन रहा है ना मंथली, ये थोड़ा सा कंसर्निंग भी है, हर कैंडल के नीचे वीक है, हर कैंडल के नीचे वीक है, हाँ अपर वीक भी है लोअर वीक भी है, मतलब सेलिंग तो है मार्केट में। ठीक है, सेलिंग तो है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ इस कैंडल के बाद से, ये वाला स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद से, इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के पास एक भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, नीचे सेलिंग भी आया फिर ऊपर भी गया, ऊपर से सेलिंग आया और नीचे से बाइंग आया, चल रहा है फिर से इसको, ये तो पूरा सेलिंग आके फिर ही बाइंग में कन्वर्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर तो है मार्केट में। ठीक है, चाहे कोई FI बेच रहा हो, DI बेच रहा हो, कोई जो भी बेच रहा हो, बेच तो रहा है कोई, तो सेलिंग तो है। तो अभी इसमें क्या हो सकता है, ये निफ्टी के लिए मैं बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस हूँ, मतलब बैंक निफ्टी ऐसे भी कॉशियस हूँ इलेक्शन टाइम के लिए, लेकिन निफ्टी का चार्ट के हिसाब से, बैंक निफ्टी के चार्ट मिलाने से मैं निफ्टी में ज़्यादा कॉशियस हूँ। बैंक निफ्टी में इसलिए कॉशियस हूँ क्योंकि निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करके, मतलब मान लो निफ्टी 1.5-2% भागा, बैंक निफ्टी 3% भाग गया, देन दोनों फिर से बहुत बड़ा फॉल करने के लिए स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। हाँ, और बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, अभी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर ऊपर जाना होगा तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, और नीचे भी गिरना होगा तो शायद निफ्टी ज़्यादा गिरे बैंक निफ्टी से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी जो चार्ट दिख रहा है इसके हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए देन फिर स्लाइड करे। ठीक है, और अगर स्लाइड डायरेक्टली स्लाइड करता तो वो भी हम लोग लेवल डिस्कस कर लेंगे, डायरेक्ट स्लाइड करने से हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो ये हम लोग को लिख रहे हैं। और मैं ट्विटर में या फिर
यूट्यूब में कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा, वही थर्सडे को जब मार्केट खुलेगा तब भी डाल दूंगा कि कौन सा लेवल हम लोग इस महीने का ट्रेड कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद भी मैं डालते रहूँगा जब मतलब कि कौन सा लेवल ब्रेक करने से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैंडेटरी है प्लीज़। हाँ, अगर स्टॉप लॉस होता है तो रोने मत लग जाना, क्योंकि स्टॉप लॉस अभी मैंडेटरी है, जो हमेशा ही है लेकिन अभी एकदम कंपलसरी हो गया कि स्टॉप लॉस आपको रखना ही है। निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर भी है, ये निफ्टी ये लेवल को भी तोड़ चुका है नीचे की तरफ। ये जो लेवल था बैंक निफ्टी में अभी तक तोड़ा नहीं, लेकिन निफ्टी में तोड़ दिया। बैंक निफ्टी में देखो तो अभी तक ये लेवल तोड़ा नहीं है, जो बैंक निफ्टी का सॉरी ये लेवल जो था ये वाला लेवल जो अभी तक तोड़ा नहीं बैंक निफ्टी निफ्टी, लेकिन ये वाला लेवल तोड़ दिया ऑलरेडी। तो निफ्टी में थोड़ा सा कंसर्निंग है, तो अभी इसलिए मैं बोल रहा हूँ निफ्टी थोड़ा सा डाउटफुल भी है। अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर की तरह ब्रेक ना कर पाए तो निफ्टी में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भयंकर बनेगा, और नीचे अगर फिर से इसको भी ब्रेक करने लग जाए तब तो हो गया काम, तब तो ये अच्छा खासा लंबा टाइम के लिए जाएगा। लंबा टाइम इन द सेंस लंबा जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा ये सब लो भी ब्रेक कर दे, ये सब लो भी निफ्टी ब्रेक कर दे, ऐसा हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट मंथ भी संभल के, क्योंकि इलेक्शन मंथ है, कुछ भी हो सकता है। अगर कैसा पता नहीं, अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन स्टॉक मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर जो अभी का पार्टी है अगर वो अच्छे से नहीं आता है, मान लो जैसे तैसे वो गठबंधन वधन करके कुछ भी करके, मतलब जैसे तैसे करके वो मरहम पट्टी लगा के वो पार्टी बनाता है, देन मार्केट गिरेगा। ये फुल मेजोरिटी में आता है देन मार्केट स्टेबल रहेगा यार, और उठेगा बाद में रिजल्ट के बाद, हो सकता है गिर के फिर रिजल्ट के बाद पूरा एक बूम करे। अगर ऑपोजिशन आता है वो भी जैसे तैसे आया तब भी मार्केट गिरेगा। ऑपोजिशन जो है अभी जो रूलिंग पार्टी नहीं है, जो अभी ऑपोजिशन जो वो अगर मेजोरिटी के साथ आ गया, अगर वो भी फुल मेजोरिटी के साथ आ गया फिर भी मार्केट भागेगा। तो मार्केट दो ही कंडीशन में भागेगा, जो भी आए, मतलब एक ही कंडीशन में भागेगा जो भी आए स्ट्रांग आए, मान लो स्ट्रांग आए ताकि पॉलिसी में कुछ गड़बड़ी ना हो। अगर कोई भी लाइक जैसे तैसे करके है ना गवर्नमेंट बनाता है तब मार्केट गिरेगा, और अगर जो रूलिंग पार्टी उसका भी अगर वोट गिरता है बहुत ज़्यादा, अगर वो मेजोरिटी भी में आता है लेकिन वोट गिरता है बहुत ज़्यादा, अगर सीटें कम मिलते हैं उसको, देन भी मार्केट गिरेगा। तो कंडीशन एक ही है, मेजोरिटी बहुत ज़्यादा आने से ही मार्केट उठेगा और भी उठेगा। मैं कह रहा हूँ मार्केट ऑलरेडी उठा हुआ है और भी उठेगा, लेकिन अगर यहाँ से अगर कुछ भी नेगेटिव आता है देन मार्केट में भयंकर एक फॉल आएगा। कम से कम निफ्टी में मैं 8-10% का फॉल देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी में भी सेम 8-10% का फॉल देख रहा हूँ कम से कम, अगर ये दोनों मतलब ये एक कंडीशन मीट नहीं हुआ तो ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट में भी लग रहा है मुझे कि अभी नेक्स्ट महीना थोड़ा सा उठ के फिर गिरे तो सबसे बेस्ट होगा, तब वहाँ पर हम लोग को ट्रेड बहुत विजिबल होगा और कम टाइम में ट्रेड मिलेगा। अगर मान लो मार्केट उठा यहाँ पर उठा तो हम लोग को जो क्विक मिलेगा ना, एकदम थोड़ा सा 23,000 के आसपास गया, सबसे परफेक्ट है 23,000 के आसपास अगर गया, जैसे बैंक निफ्टी में बता रहा था वो 51,400, 500, 300 इस लेवल तक गया, और ये अगर 23,000 तक गया परफेक्ट है, वहाँ से जो गिरावट आएगा ना वो आपको मतलब 1 वीक में 5-6 दिन में आपको 4-5% का मूव मिल जाएगा, कम से कम 4% का मूव आपको 5-6 दिन में मिल जाएगा, ऐसा वाला मूव आएगा, वो हाथ में नहीं आएगा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा वहाँ पर आने से। एक भी छोटा टाइम फ्रेम में अगर आपको शॉर्ट मिल रहा है करो, आपको वेट नहीं करना, वेट करोगे इस लेवल को तोड़ते तोड़ते आपका सब चला जाएगा हाथ से। दो सेक्टर में बता रहा हूँ, ये सेक्टर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रखो, आप मैं अभी स्टॉक नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कुछ पता नहीं गाइडलाइंस वगैरह कुछ कुछ है, इसलिए मैं स्टॉक नहीं दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं कुछ सेक्टर बता रहा हूँ आपको कि सेक्टर में ध्यान रखना। मेटल सेक्टर एक ट्रेंडिंग सेक्टर है, लेकिन ये हो सकता है ट्रेंड में ही रहे, ऐसा हो सकता है। ये दो जोन आप मार्क कर लेना, इस जोन में आके यहाँ पर अगर रह के इसको फिर से ब्रेक कर दे देना आपको यहाँ पर बन जाएगा। अगर कोई ETF वगैरह कर रहा है देन वो इस जोन पे भी एक्यूमलेट कर सकते, अभी भी अभी से यहाँ से भी कर सकते हैं, देन यहाँ पर आए यहाँ पर भी अगर करे यहाँ से फिर ब्रेक कर देन इस जोन पे भी एक्यूमलेट कर सकता है। देन इस ये जोन वाला तो डिसाइडिंग जोन है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये वाला जो जोन है इसको नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है, ये जोन को तोड़ेगा तब मतलब ये ट्रेंड में है ही नहीं, और ये ट्रेंड में फिर से इसको भूल जाओ, और फिर कब बनेगा ट्रेंड, फिर कब आएगा, चार्ट डिस्टर्ब हो चुका होगा, तब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर ये आपका ये लेवल तोड़ा तो ये लेवल नहीं तोड़ना चाहिए, ये वाला नीचे वाला लेवल, ये वाला लेवल नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस जोन तक आए ठीक है, फिर भी मतलब चार्ट बिगड़ेगा नहीं, ये फिर से अप ट्रेंड आपका रिज्यूम कर सकता है।
अब फिर मतलब आईटी, तो आईटी में भी आपको अभी आईटी उस जोन पे ही है, इस जोन पे थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर रहे हैं, अच्छा है। तो आईटी यहाँ से भी कुछ हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा बाइंग दिखने को मिल जाए हम लोगों को यहाँ से, और या फिर हो सकता है यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कर फिर नीचे आ जाए, नीचे आके इस जोन पे टाइम स्पेंड करे या इस जोन पे टाइम स्पेंड करे, अगर यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करके आता है देन भी ये चार्ट ठीक ठाक है, ये मतलब आपका पूरा प्रॉपर बेस बना चुका होगा, तब आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखने से पता चलेगा जो भी हो। लेकिन आपको ये वाला लेवल जो है ना इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे बहुत दूर है, इतना दूर भी नहीं, 33,000 है और ये 29,000 के आसपास है, तो इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। आपके इतना अगर स्पेस नहीं दोगे तो आप इसमें लंबे टाइम पे, मैं लंबे टाइम के लिए लगाऊंगा, कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है बीटीएसटी कर रहा है उसके लिए नहीं दे रहा हूँ मैं, लंबे टाइम के लिए कोई 2-3 साल के लिए अगर किसी का व्यू है देन ये वाला देखो मतलब बहुत ही परफेक्ट जोन पे आया, क्योंकि अगर 2-3 साल का जोन आपका व्यू है तो इतना रेंज अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस रेंज में आपको अगर मिल रहा है इतना रेंज, अगर आपको इतना छोटा सा पॉइंट में करना, अगर एसआईपी करना स्टार्ट करोगे या एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रेडिंग प्लान करोगे अगर, तब भी आपको बहुत अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड मिलने का चांसेस है। और अगर आप उसमें भी मेटल में भी आपको एस्ट भी करते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने का चांसेस है। और एक सेक्टर है जो थोड़ा सा हो सकता है आउट परफॉर्म करे, एफएमसीजी, लेकिन एफएमसीजी में और थोड़ा हो सकता है करेक्शन आए, लेकिन मेटल ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग सेक्टर में है, और आईटी थोड़ा सा ये मतलब ट्रेंडिंग नहीं है बट ये थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, एक एक करेक्टेड मतलब सेक्टर में लाया और एक ट्रेंडिंग सेक्टर लाया, हो सकता है मेटल और ट्रेंड करें। लेकिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आएगा मेटल ऑब्वियसली गिरेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आएगा आईटी ऑब्वियसली गिरेगा, कब गिरेगा कंपेरेटिवली शायद, तो आपको उस सब सेक्टर में ध्यान रखना है, मेटल और आईटी मुझे लग रहा है। और बैंक्स में हमेशा बोलता हूँ बैंक्स में रखो, क्योंकि बैंक्स हो सकता है कि करेक्शन आए 8-10% का हो, ज़्यादा भी हो, लेकिन बैंक्स लॉन्गर रन के लिए अभी बैंक्स ही मुझे अच्छे दिख रहे हैं। बैंक्स में पहले बहुत दिन से बोल रहा हूँ बैंक्स, आईटी, मेटल, मेटल तो नहीं बोला खैर, बट मैं आईटी और बैंक से बोल रहा था बहुत दिन पहले से, मैं बोला बैंकिंग सेक्टर में अभी मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, तो वही है। तो आपका अभी नेक्स्ट महीना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नेक्स्ट महीना कैसे करना है, जैसे बताया कि आपको लेवल वाइज लेवल ट्रेड करना है, आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस नहीं लिया ना आप एकदम जाओगे एकदम आप ख़त्म, स्टॉप लॉस लो फिर री एंट्री करो, आप री एंट्री प्रोसेस इस पर रखो, री एंट्री करो बट आप स्टॉप लॉस लो। मान लो आपने यहाँ पर एंट्री किया, गया आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, देन फिर से अगर ये फिर से आ रहा है, ऐसे अगर फिर से स्टॉप लॉस हिट करके आ रहा है देन आप फिर से यहाँ पर रीएंट्री लो, फिर से रीएंट्री करो, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉप लॉस दो, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि बहुत वोलेटाइल है और मार्केट में कुछ भी क्रेजी मूव आ रहा है, तो आपको इसलिए उसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये इस दिन जो मूव आया था ना, ये वाला जो मूव आया था ना, लाइक एक तो मेरा पास शॉर्ट पोजीशन था, मैं ऑनेस्टली बोलो यहाँ पर मेरा शॉर्ट पोजीशन था, ठीक है शॉर्ट पोजीशन था, देन मैं यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आपका काट दिया, मेरा शॉर्ट पोजीशन काट दिया, देन मैं ना यहाँ पर लॉन्ग नहीं गया, मैं सोचा था लॉन्ग जाऊँ कि ना जाऊँ, लॉन्ग जाऊँ कि ना जाऊँ, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था, मैं लॉन्ग नहीं गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ पर लॉन्ग जाना चाहिए था, मुझे मतलब बहुत गट फीलिंग बोल रहा था, क्योंकि पूरा ब्रेकआउट भी दे रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो मैं लॉन्ग जाने वाला था लेकिन नहीं गया मैं, और मैं नहीं गया और गया ही नहीं। लेकिन आज मैंने देखो आज यहाँ पर एकदम इस लेवल पे मैंने शॉर्ट किया, एकदम इस टॉप में 49,800 के ऊपर ही 850 के आसपास मैंने शॉर्ट किया, मेरे पास है शॉर्ट पोजीशन, अभी मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, देखता हूँ अगर कुछ और एक स्विंग बना गया करता तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बना दूंगा मैं, तो मेरा अभी स्टॉप लॉस 50,000 पे है, एकदम पूरा 50,000 पे राउंड फिगर में मेरा स्टॉप लॉस है, मैं 49,840 के आसपास मैंने शॉर्ट किया, तो वहाँ पर मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला, मैं कर गया लेकिन स्टॉप लॉस लगा दिया, लेकिन मैं इस दिन भी स्टॉप लॉस से उठाया बच गया, इसलिए हाँ मेरा ये ट्रेड ये लंबा ट्रेंड चला गया हाथ से, इट्स ओके बट होता है ऐसा, लेकिन आज मुझे मिल गया ये वाला, और मैंने आज यहाँ पर तो मुझे एक्सपायरी भी मिला, ट्रेड अच्छा खासा एक ऑप्शन बाय किया था, ऑलमोस्ट अच्छा खासा मिला, हाँ क्वांटिटी बहुत ही कम था क्योंकि ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में क्वांटिटी कम ही रखना है, लेकिन अच्छा खासा हुआ, और मेरा नेक्स्ट वीक का ऑप्शन भी यहाँ पर है, लेकिन बाय नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी वाइज है ये मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस लेना, मैं इस दौरान में बहुत स्टॉप लॉस लिया, बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लिया मैंने, और स्टॉप लॉस लेता हूँ तभी मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर पाता हूँ। इस दिन मेरा छूटा, इट्स ओके, एक दिन छूटना ये लाजमी है, लेकिन मैं मोस्टली मेरा सेलिंग मार्केट नहीं छूटता, मुझे बाइंग मार्केट छूट जाता है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता बाइंग मार्केट में, सेलिंग मार्केट में मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, तो इसलिए मैं सेलिंग आज यहाँ पर मेरा हीरो जीरो टाइप का भी हो गया, और मेरा नेक्स्ट वीक का भी पोजीशन है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, और अपना ख्याल रखना, और इस प्लीज़ आप ट्रेड सेफली।